हमारा देश का मीडिया दो हिस्सों में बटा हुआ है, ये हम अक्सर कहते हैं, क्योंकि एक मीडिया विपक्ष की आलोचना करता है ना कि सरकार की, और दूसरा तरफ का मीडिया सरकार की नीतियों की आलोचना करता है और देश के मुद्दे सामने रख चर्चा भी करता है। इन सब में अहम भूमिका एंकर्स की होती है जो कैमरे के सामने आते हैं। आज हम कुछ एंकर्स और पत्रकारों द्वारा उठाए मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि पिछले हफ्ते इन सब ने कौन से मुद्दों को जनता के लिए ठीक समझा। पहले बात करते हैं एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की और देखते हैं कि उन्होंने अपने प्राइम टाइम में किन मुद्दों को उठाया। पहला, उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध पर कैसे लगेगी रोक। दूसरा, नदियों के निकलने के रास्ते पर सड़कें क्यों बनी। तीसरा, पहली बार एक मंच पर आएंगी कश्मीरी पार्टियां। चौथा, बड़े लोन से नुकसान नहीं, छोटे लोन से इतना कैसे घाटा। और पांचवा, सिस्टम की साजिशें, क्या फादर स्टैन को फंसाया गया है। रवीश कुमार अक्सर वह मुद्दे उठाते हैं जिसे गोदी मीडिया चैनल नहीं दिखाना चाहते। वह अक्सर सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करते भी दिखते हैं। इस बार भी उन्होंने अहम मुद्दे उठाए। इस बार भी उन्होंने अपने शो के जरिए सरकार की लोन चुकाने वालों के लिए पॉलिसी पर चर्चा की और कई अहम मुद्दे भी उठाए। मिडिल क्लास लोन पर ब्याज में राहत चाहता है ताकि उसके पास खर्च करने की शक्ति आए। 31 अगस्त के बाद लोन की वसूली पर रोक हट गई थी। याचिकाकर्ता चाहते हैं कि उन्हें ये राहत मिलती रहे। मिडिल क्लास के लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। अगस्त महीने से वहां सुनवाई हो रही है। इस बहस की शुरुआत में ही कोर्ट ने कहा था कि जो बिजनेस दिवालिया हो गए हैं उन्हें लोन के मामले में राहत दी जा रही है, लेकिन जो लोग समय पर ईएमआई चुकाते हैं उन्हें राहत क्यों नहीं दी जा सकती। अदालत ने कमेंट किया था कि बैंक हजारों करोड़ रुपए एनपीए में डाल देते हैं लेकिन कुछ महीने के लिए टाली गई ईएमआई पर ब्याज वसूलना चाहते हैं। अगस्त से अक्टूबर आ गया, सरकार हर बार अगली सुनवाई की तारीख मांग लेती है। मिडिल क्लास को ईएमआई में राहत मिले इसे लेकर सरकार कितना सोच रही है, लेकिन इंडस्ट्री के नाम पर किसी को भी लोन मिले, कैसे भी मिल जाए, इसके बारे में सरकार कैसे सोच रही है। अब बात करते हैं न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को ज्यादा तवज्जो दी। पहला, एस जयशंकर ने क्यों कहा देश के सामने गंभीर सुरक्षा चुनौती है। दूसरा, बिहार में नीतीश का निश्चय चलेगा या तेजस्वी का दम। तीसरा, बिहार में कुर्सी का खेल किसका होगा किससे मेल। चौथा, मंदी के मौसम में महंगाई क्यों, हमसे आगे कैसे निकल गया बांग्लादेश। और पांचवा, बिहार में चुनाव है, सेकुलरिज्म पर तनाव है। संदीप ने अपने डिबेट के जरिए क्या मुद्दे उठाए ये आपके सामने ही है। संदीप ने अपनी डिबेट में बढ़ती महंगाई का मुद्दा उठाया, देश की गिरती अर्थव्यवस्था पर सरकार से सवाल किए। और हम क्या कह रहे हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था तेजी से रिकवर करेगी। बाकी अर्थव्यवस्थाएं इतनी तेजी से रिकवर कैसे कर गई, हमारी क्यों नहीं की। ब्राजील में संक्रमण के चलते मौतों का आंकड़ा हमसे ज्यादा है, संक्रमण के मामले में अमेरिका हमसे ज्यादा है, ब्राजील में 5.8% का जीडीपी ग्रोथ है। तो आज एक और आर्टिकल बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है जिसमें पूरी तरह से बताया कि जो हमारी सरकार है मोदी जी ने जो रिफॉर्म इस वक्त लिए, चाहे लेबर का ले लो, लैंड का ले लो, 6.8 से गिरते गिरते 3.1 पर आ गई, तो आप वो रिफॉर्म की बात मत कीजिए। और एक मिनट, फिस्कल स्टिमुलस की जो बात करते हैं, अभी 3 दिन पहले आपने LTC में जी 1,00,000 करोड़ तक का आंकड़ा बता दिया कि कंजम्पशन बढ़ जाएगी, सरकारी कर्मचारियों की जेब में पैसे आ जाएंगे। वो पैसे क्या आएंगे, वो दरअसल क्या दिया है, अगर मैं सरकारी कर्मचारी हूँ 20,000 रुपए का LTA है, उसका इस्तेमाल करने के लिए मुझे दरअसल 60,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं रिपब्लिक टीवी के वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी की और देखते हैं उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे। पहला, 10 मिनट के नोटिस पर अर्नब की दो टोक, डरेंगे नहीं, सच के लिए लड़ते रहेंगे। दूसरा, कुंभ पूर्व में पूरी दुनिया की आस्था, तो कांग्रेस उसके खिलाफ क्यों। तीसरा, जिसने किया सुशांत का अपमान, बिहार की जनता उससे लेगी बदला। चौथा, सत्ता गई तो एमपी में बौखलाई कांग्रेस। और पांचवा, मंदिर पर उद्धव सरकार का ताला क्यों। अर्नब अक्सर अपने मुद्दों की वजह से सुर्खियां बटोरते हैं, पर उनके लिए बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे जरूरी नहीं देखते। उन्होंने अपनी डिबेट में विपक्ष को टारगेट करते मुद्दे उठाए और सवाल भी किए। एक चाय वाला पीएम कैसे बनेगा, आज कोई पूछने वाला नहीं है इन लोगों का, क्योंकि देश समझ गया कि ये वाड्रा कांग्रेस अपनी सामंती सोच के सामने दूसरों को सिर्फ भूखा नंगा ही समझती है।
आज फिर गरीबों से वाड्रा कांग्रेस की ये नफरत आज पूरे देश के सामने आ गई। इसलिए मेरे साथ पूछिए, क्योंकि पूछता है भारत, क्या जरूरतमंद और गरीबों का क्यों वाड्रा कांग्रेस के नेता इंसान नहीं मानते? क्या घोटालेबाजों और दंगे के आरोपी कांग्रेस के लिए महान है और ईमानदार लोग भूखे हैं, नंगे हैं? और क्या जो लोग सत्ता से निकाल दिए गए वो इसका बदला गरीबों का अपमान करके ले रहे हैं? और आज का सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, ये राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है, क्या वाड्रा कांग्रेस की सत्ता चली गई लेकिन उनकी सामंतवादी सोच आज भी वैसे ही वैसे है? अब बात करते हैं न्यूज 18 के वरिष्ठ पत्रकार अमीश देवगन की, और जानते हैं कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे कौन से थे। पहला, दिल्ली के राहुल को इंसाफ कब, राहुल की हत्या पर न्याय ब्रिगेड मौन क्यों? दूसरा, मदरसे की लड़ाई अब कुंभ पर आई, हिंदू आस्था पर मांगे वोट, अब कुंभ पर चोट। तीसरा, सरकारी पैसों पर मजहबी पढ़ाई, सेकुलर देश में धार्मिक शिक्षा पर बवाल क्यों? चौथा, संत समाज और उद्धव सरकार में आर पार, हिंदुत्व छोड़ सेकुलर हुए उद्धव। और पांचवा, विरोध के एजेंडे में सियासत की मिलावट, न्याय का एक तरफा चश्मा क्यों? मीडिया से उम्मीद की जाती है कि वह मुद्दे उठाए जिसमें आम आदमी को सरकार से हो रही परेशानियों का हल मिल सके, लेकिन अमीश अपनी डिबेट के जरिए विपक्ष या फिर एक ही समुदाय को टारगेट करते दिखाई दिए। अगर देश के किसी एक राज्य में सरकारी मदरसे बंद होंगे तो क्या कुंभ मेले पर सवाल उठाया जाएगा? आखिर ये कैसी तुलना है? कल असम की सरकार ने ऐलान किया कि अगले महीने से वहां सरकारी पैसों से चलने वाले मदरसों को बंद किया जाएगा, और फैसला सिर्फ मदरसों के लिए नहीं था, संस्कृत स्कूल भी बंद करने का ऐलान किया गया। लेकिन इसके बाद कांग्रेस के बड़े नेता उदित राज मैदान में कूद पड़े और सीधे कुंभ मेले पर सवाल खड़ा कर दिया। उनका कहना है कि इलाहाबाद के कुंभ मेले में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 4200 करोड़ रुपए क्यों खर्च किए, ये खर्च नहीं होना चाहिए था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर चौतरफा हमला बोल दिया। बीजेपी ने कहा कि यही कांग्रेस की असली सोच है, ये पहले भगवान राम के अस्तित्व को नकारते हैं, राम मंदिर की राह में रोड़ा अटकाते हैं और अब कुंभ मेले पर सवाल उठा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि गोदी मीडिया अपनी डिबेट के जरिए जनता के मुद्दे भी उठाने शुरू करेगा और सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करेगा और उनसे सवाल भी करेगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि गोदी मीडिया ऐसा करेगा, आप भी कर ही लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।